तो हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। रेडमी नोट 5 प्रो के लिए 12.0.3 स्टेबल अपडेट आ चुका है, जो कि इंडिया का रेडमी नोट 5 प्रो को बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि यूरोप में अभी ये अपडेट आ चुका है। दो बार आ चुका है, पिछली बार एक बिल्ड आया था उसमें थोड़े बग्स थे, तो सेकेंड बिल्ड इन्होंने वापस रिबिल्ड करके डाला है। तो ऐसे में लग रहा है कि रेडमी नोट और नोट 5 प्रो को, दोनों को MIUI 12 का भाई अपडेट मिल सकता है, जो कि उसका कोड नेम 12.0.3 स्टेबल हो सकता है। तो रेडमी शाओमी अगर चाहे तो ये अपडेट इंडिया में रोल आउट कर सकता है, क्योंकि रेडमी नोट 5 प्रो को अभी तक स्टेबल अपडेट नहीं मिला है। तो गाइज, इसमें आप सिक्योरिटी पैच देख सकते हो, क्योंकि लेटेस्ट बिल्ड है जो कि आपको एकदम 4th महीने का मिल जाता है, अप्रैल का। इसमें आपको सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट मिल जाता है, और एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड नहीं है ये रोम, एंड्रॉयड 12 के ऊपर भी बेस्ड नहीं है, एंड्रॉयड 10 के ऊपर बेस्ड है गाइस। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्योंकि एंड्रॉयड 9 के ऊपर ही मिलेगा ये अपडेट, एंड्रॉयड 10 पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रेडमी नोट 5 को ऑलरेडी 3 अपडेट्स एंड्रॉयड के मिल चुके हैं। तो MIUI का जो ये बिल्ड है, तो एंड्रॉयड 9 के ऊपर बेस्ड मिलेगा आपको 12.0.3 का अपडेट से। अब इसमें बात करते हैं फीचर्स, इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो तो नया कंट्रोल सेंटर आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से एकदम अच्छे से रॉम, कुछ भी दिक्कत नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो, तो एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी इसमें आपको दिक्कत वगैरह नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी सपोर्ट दिया गया है, लेकिन जो रेडमी नोट 5 प्रो में ये है, इस तरह के यहाँ पे दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको थीम ऐप्स में चल के दिखाऊंगा, वहाँ पे ये ऑप्शन आपको कभी काम करता कभी नहीं करता, क्योंकि ये जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का है, जो 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 एमुलेट डिस्प्ले वाले होते हैं उनमें अच्छे से वर्क करता है, इसमें भी मतलब कि आप वर्क करेगा, लेकिन बैटरी ज़्यादा ड्रेनिंग करेगा, ठीक है। इसमें आपको चार्जिंग एनिमेशन वगैरह भी देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हो। अभी शाओमी इंडिया में ये ऑप्शन दे या ना दे उसकी मुझे पता नहीं है गाइस, लेकिन जो फीचर्स इसमें दिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2.0 का डार्क मोड इसमें मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, एकदम अच्छे से वर्क कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह भी आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे, टेक्स्ट वगैरह हो गया, कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन शेयर का यहाँ पे इसमें नाइट हाइट नॉच वगैरह का भी इसमें ऑप्शन आपको दिया गया। यहाँ पे अल्टी स्लो स्पीड कनेक्शन जो जो ये ऑप्शन है ये आपको मिल जाएगा, स्विच टू साइड कंट्रोल सेंटर का ये भी ऑप्शन है, और बैटरी इंडिकेटर्स के भी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक सेटिंग लेआउट का भी ऑप्शन है, जो आप यहाँ पे कॉम्पैक्ट वगैरह डिफॉल्ट पे आप इसको रख पाओगे। तो डिस्प्ले में ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साउंड एंड वाइब्रेशन की बात को तो यहाँ पे इवेंट्स का भी ऑप्शन इन्होंने डाल दिया, बाकी ये 3 ऑप्शन ही रहता है, इवेंट्स का कभी कभार ये रिमूव कर लेते हैं। तो इस तरह से वॉल्यूम वगैरह का UI मिल जाता है, यहाँ पे आपको लाइट चाहिए, वाइब्रेट किस तरह का चाहिए, जो भी आप इसमें मीडियम वगैरह रख सकते हो। प्रोफाइल वीडियो इनकमिंग कॉलिंग का भी ऑप्शन है, एडिशनल सेटिंग का भी ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे आपको टाइल पैन के आपको मिल जाए, डिलीट साउंड, स्क्रीन शॉट, अनम्यूट, चार्जिंग साउंड और स्क्रीन लॉकिंग साउंड, ये आपको सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में आपको मिलेगा ये ऑप्शन, और नीचे आपको साउंड इफेक्ट का भी ऑप्शन है, अगर आपके पास रेडमी शाओमी का एयरफोन है आप इसको लगा के काफ़ी अच्छे से म्यूजिक का मजा ले सकते हो, बाकी ये इनेबल ऑप्शन नहीं होगा। नोटिफिकेशन की इसकी बात करूँ तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन शेयर वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको अंदर देख सकते हो एक्सपेंड टॉप नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलता है, और वेदर का भी मिलता है। यहाँ पे आपको MIUI नोटिफिकेशन स्टाइल्स एंड्रॉयड दोनों की आपको इसमें मिल जाती है, ठीक है गाइज। और उसके बाद नीचे चलेंगे अपन, होम स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर डिफॉल्ट मिलता है, यहाँ पे आपको दोनों क्लासिक और ऐप ड्रॉअर दोनों आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे होम स्क्रीन का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आप इसको इनेबल कर सकते हो, सर्च होम स्क्रीन का, गूगल्स और नॉर्मल दोनों आपको इसमें मिल जाएंगे। डबल टैप टू स्क्रीन काम कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। आइकन पैक्स की साइज आप यहाँ से छोटी बड़ी कर सकते हो। स्टाइल्स आपको दिखा लेता हूँ, 4 टाइप्स के आपको थीम मिल जाती है, 4 टाइप के आपको इसमें आइकन पैक्स भी देखने को मिल जाते हैं। ग्लोबल आइकन एनिमेशन का सपोर्ट है, अरेंज रिसेंट आइटम जो भी है दोनों आपको इसमें वर्टिकल होरिजेंटल दोनों आपको दिएगा। सो मेमोरी स्टेटस का भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है गाइस। उसके बाद में वॉलपेपर्स की बात करूँ तो वॉलपेपर्स आपको इसमें प्री इंस्टॉल जो भी है आपको देख सकते हो, शाओमी के जो भी वॉलपेपर लेटेस्ट सारे आपको इसमें दिए गए गाइस, तो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी इसमें एकदम अच्छे से वर्क करा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। और नीचे आपको सेकंड स्पेस वगैरह ये आपको फीचर्स इसमें देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो बैटरी का ऑल UI आपको ऑल ही रहने वाला है, क्योंकि 12 का अपडेट है ये, यूरोम का है, क्योंकि MIUI 13 में बैटरी में कस्टमाइजेशन किया गया, इसमें आपको नहीं किया गया। एप्स की बात को तो मैनेज एप्स, डबल एप्स, एप्स परमिशन लॉक्स वगैरह ये आप यहाँ से लगा पाओगे। एडिशनल सेटिंग में बात को लैंग्वेज हो गया, रीजन्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बहुत सारी रीजन्स आपको कंट्रीज इसमें देखने को मिल जाती है। क्विक वॉल, वन हैंड मोड, एसेबिलिटी, ये आपको सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे गाइस। उसके बाद में स्क्रीन ऑन टाइम का भी फीचर्स दिया गया, जो कि आप डिवाइस का स्क्रीन ऑन टाइम देख पाओगे, यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है। स्पेशल फीचर्स की बात को तो गेम टर्बो मोड इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो।
और उसके बाद में आपको वीडियो टूल बॉक्स भी मिल जाएगा जो कि पुराना ही है इसमें, और यहाँ पर सेकंड स्पेस, फ्लोटिंग विंडो, ये आपको सब कुछ, नीचे आपको मी आईडी वगैरह जो इसमें फीचर्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे आपको एंड्रॉयड 11 का गैजेट्स बार है जो भी आपको इसमें देखने को मिलता है, यहाँ पर सर्च बार भी इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब मेन बात यह है कि गाइस जब ये अपडेट इंडिया में आएगा तो शाओमी वाले इसमें अपडेट्स में ये इस तरह का जो ऐप वॉलेट वगैरह जो देखने को मिलता है ये आपको इसमें दे या ना दे इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि शाओमी बहुत सारे फीचर्स को नहीं देता है इंडिया के अंदर। तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये स्टेबल अपडेट है, कोई बीटा वगैरह नहीं है, यूरोम का स्टेबल अपडेट है। और यहाँ पे आपको फ्लोटिंग विंडो भी इसमें देखने को, मैं आपको दिखा लेता हूँ, एक मिनट गाइस, इसको बंद कर लेता हूँ, नो थैंक्स कर लेते हैं यार, बार बार ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको फ्लोटिंग विंडो भी देखने को मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे। और इसकी कैमरा क्वालिटी की मैं अगर बात करूँ तो कैमरा क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, एआई मोड भी इसमें देखने को मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, काफ़ी स्पीड फास्ट है क्योंकि स्टेबल अपडेट है गाइस, तो इसमें भी इस तरह का काफ़ी स्पीड फास्ट इन्होंने दिया गया। और आपको इसमें एआई का भी और एचडीआर का भी फीचर्स मिल जाता है जो कि आप ऑन कर सकते हो, एआई के साथ एचडीआर में भी फोटो ले सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हो फोकस और स्पीड काफ़ी फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ पे देख पाओगे क्वालिटी वगैरह एकदम अच्छी सी, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये रोम आप ऑरेंज फॉक्स रिकवरी या TWRP अगर आप यूज़ कर रहे हो उससे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि फिलहाल ये स्टेबल अपडेट में नहीं आया इंडिया के लिए। और इसमें अगर मैं पावर बटन दिखाऊँ तो इस तरह का मिलेगा, वॉल्यूम बटन दिखा दूँ आपको तो देख सकते हो स्टेबल रोम में मिलते हैं, तो इस तरह का देखने को मिलता है। फिलहाल गाइस आप इसको ऑरेंज फॉक्स रिकवरी या TWRP से इसको फ्लैश कर सकते हो। जब इंडिया में आएगा तो मैं फिर से एक वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लेना ताकि हर वीडियो की आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।